दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली सीरीज की गर्मा गर्मी तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बीसीसीआई 20 सदस्यों की भारतीय टीम तो पहले ही घोषित कर चुकी है और अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाले T20 में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रीलंका दौरे के लिए किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाना चाहिए, शिखर धवन या फिर हार्दिक पांड्या? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम को जुलाई के महीने में श्रीलंका दौरा करना है और जहां पर टीम को 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। हालांकि बीसीसीआई ने 20 सदस्यों की भारतीय टीम घोषित करी है जिसमें ज्यादातर युवा खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन अब हाल ही में बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले T20 के लिए प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। चलिए आपको बताते हैं उन 11 खिलाड़ियों के बारे में जो पहले T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान के रूप में शिखर धवन का खेलना तो इस टीम में तय है, लेकिन वहीं उनके साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग कर रहे पृथ्वी शॉ एक बार फिर से भारतीय टीम में शिखर धवन के साथ सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी को संभालेंगे। और शिखर धवन का बल्ला तो IPL में जमकर आग उगलता हुआ नजर आ चुका है, जिसकी वजह से उनका चयन श्रीलंका दौरे पर किया गया है। लेकिन दोस्तों 3 नंबर पर IPL में अपनी शानदार बल्लेबाजी से बड़े बड़े दिग्गजों को अपना मुरीद बनाने वाले देवदत्त पणिक्कल भी श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले में अपना डेब्यू करेंगे। वैसे तो पणिक्कल IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, अब उनके पास भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए बेहतरीन मौका है जिसे वो गंवाना नहीं चाहेंगे। 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए तो BCCI ने सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह दी है। सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया गया है। और वहीं 5 नंबर पर ईशान किशन को इस टीम में जगह दी गई है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही 6 नंबर पर नीतीश राणा अपने इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रहे हैं। नीतीश राणा ने IPL में अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और लगातार कुछ IPL सीजन से वो अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जिसके चलते BCCI ने अब की बार उन्हें श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम में जगह दी है। 7 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या को टीम में जगह दी गई है। पांड्या के पास भी मौका होगा खुद को एक बार फिर से साबित करने का, भारतीय ए टीम में अपनी जगह बनाने का। वहीं तेज गेंदबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार इस टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि 9 नंबर पर स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में जगह दी गई है। हालांकि कुलदीप यादव लगातार अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, फिर भी BCCI ने उन्हें टीम में शामिल किया है। 10वें खिलाड़ी के रूप में दीपक चहर को टीम में जगह दी गई है। दीपक चहर IPL में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे और सभी का दिल जीत चुके हैं, यही कारण है कि उन्हें फिर से एक बार टीम में जगह दी गई है। वहीं 11वें खिलाड़ी के रूप में नवदीप सैनी इस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ प्लेइंग 11 जो श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आएगी। और आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम श्रीलंका से पहले T20 मुकाबले को जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।